चलिए अब शुरुआत करेंगे मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नवाज पढ़ने को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसकी। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में धोखा देकर नवाज पढ़ने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो 4 लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया गया। आरोप यह है कि 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में 4 लोग आए, इनमें से 2 लोगों ने मंदिर के सिवायतों को गुमराह करके मंदिर परिसर में ही नवाज पढ़ी है। मामले में धारा 153A, 295, 505 के तहत बरसाना थाने में FIR भी दर्ज कराई गई है। यह शिकायत मंदिर प्रशासन की ओर से ही दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली से 2 लोग मंदिर में आए थे, दोनों मुस्लिम लोगों ने बिना इजाजत के ही मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी और अपनी फोटो भी सोशल मीडिया पर डाल दिए, जो कि वायरल भी हो गए हैं। FIR में कहा गया है कि इनको फोटो डालने से हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई है और आस्था को गहरी ठेस भी पहुंची है। वहीं मंदिर में नमाज पढ़े जाने की घटना के बाद नंदगांव के गोस्वामियों में खासा रोष भी है। गोस्वामियों ने मंदिर का गंगाजल से शुद्धिकरण भी आज किया, साथ ही जिस जगह पर नवाज अदा की गई वहां हवन पूजन कर शुद्धिकरण भी किया गया है। साथ ही हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर आप देखिए, पहले यहाँ पर नवाज पढ़ी जाती है, ये तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो गई जिसके बाद FIR दर्ज कराई गई। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नवाज को लेकर जिस तरीके से रोष गोस्वामियों में दिखाई दे रहा है उसको लेकर बैठक की गई है कि क्या वाकई एक बड़ी साजिश के तहत तो ये नहीं किया गया। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि मंदिर में जिस जगह पर नवाज अदा की गई थी वहां पर हवन पूजन किया गया, शुद्धिकरण किया गया है। विवाद इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं धोखा देकर मंदिर में जो कार्यरत लोग थे उनको धोखा देकर यहाँ पर नवाज पढ़ी गई। नवाज पढ़ने के बाद जो फोटो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई है, इसको लेकर अब गुस्सा और आक्रोश भी नजर आ रहा है। नवाज पर बैठक की गई, हालांकि तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस जगह पर ये नवाज पढ़ी गई थी वहां पर शुद्धिकरण हवन पूजन किया गया है और अब गोस्वामियों में यानी कि गुरुओं में धर्म गुरुओं में भी सीधे तौर पर रोष देखा जा सकता है। तो आखिर मंदिर में नवाज क्यों अदा की गई, इसके पीछे क्या कारण थे, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि पहली तस्वीर में हम आपको जो दिखा रहे हैं कि जहां बिना इजाजत के मंदिर परिसर में दंगा कराने की साजिश, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बदमजगी की जो वबा फैला रहे हैं वो लोग कौन है इसके पीछे। आपने बताया कुछ लोग हैं, एक सूची समझी साजिश है, लेकिन आप देखिए हाथरस का मामला, PFI का नाम सामने आता है, लेकिन कुछ है, उसके बाद जांच होती है बहुत धीमी चलती है। तो अगर जांच तेजी से चले और तेजी से वो नाम सामने आ जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जांच एजेंसियों ने साफ कर दिया है, आज SIT की जांच भी वापस आ चुकी है, पटल पर आ गई है सरकार के, और साफ हो गया कि लोग यहां पर माहौल खराब करना चाहते थे और उसमें साफ तौर पर कांग्रेस का नाम आया। आपने देखा है कि कांग्रेस के नेता सड़क पर गिरे जा रहे थे मथुरा कांड में। तो इस तरह की चीजें जो भी निकल कर आ रही हैं, और ये जो शायर ने बयान दिया है आतंकवाद के समर्थन में और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मामला आया, तो साफ तौर पर जो शायर हैं उनकी बेटी को अभी कांग्रेस ने कुछ दिन पहले अपने यहां लिया है। तो ये उत्तर प्रदेश में अच्छी सरकार चल रही है, कानून का राज है, वो इन्हें पसंद नहीं है, ये वही तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं, इसे माहौल खराब करने की साजिश है, हैं यही राजनीतिक दल इसके पीछे, हम तो यही मानेंगे, या अपना स्टैंड साफ करें आकर। तो इन पर लगाम कब तक लगेगी, इन पर रोक कब तक लगेगी कि आइंदा ऐसा माहौल खराब ना करें? जो लोग भी इस तरह के कृत में पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में कानून के तहत योगी सरकार है, इसलिए यहां किसी को इस तरह का छूट नहीं दी जाएगी, और जो लोग इसके पीछे शामिल हैं साजिश में उनको प्रदेश और देश की जनता बता देगी। बिल्कुल, जो लोग शामिल हैं देश और प्रदेश की जनता बता देगी। तो आप थे मोहसिन रजा साहब, जो उत्तर प्रदेश में एक मंत्री हैं, का साफ तौर पे कहना है कि जो लोग भी इसके पीछे हैं उनका पर्दाफाश होगा और ऐसे लोग को बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम जामी, इंडियन न्यूज, लखनऊ। तो आप मोहसिन रजा को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा जिस तरीके की प्रदेश में कानून व्यवस्था है उसे कहीं ना कहीं भंग करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, और साथ ही विपक्षियों पर यहाँ पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर देखिए कांग्रेस का नाम सामने भी आ रहा है, लेकिन ऐसे में किसी भी कीमत में ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीधे तौर पर अगर कानून में जिस तरीके से बदलाव किया गया है, जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही हैं, और ऐसे में कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर कि शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आज नंदगांव में जो हम लोग को ज्ञात हुआ है कि 2 मुसलमानों ने वहां पर नवाज अदा की है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। सारे कृष्ण भक्त, पूरे भारत के जितने भी हिंदू हैं, कृष्ण भक्त हैं, या हम सब इसका विरोध करते हैं, साधु समाज भी। ये कहीं पर भी है कि भगवान श्री कृष्ण का स्थान, जहाँ पवित्र मंदिर है, पुराना प्राचीन मंदिर है,
वहां पर जो है दो मुसलमान भाइयों ने जो नवाज अदा की है इसका हम घोर विरोध करते हैं, और जिस पुजारी ने ये करवाया है हम उसकी भी निंदा करते हैं, शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उस पुजारी को कम से कम महीने दो महीने के लिए मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए और लिखित में लिख के लिया जाए कि अब वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। अभी कुछ सोशल मीडिया पर फोटो वगैरह और किसी के माध्यम से पता चला कि नंदगांव बरसाना के पास में हमारे ब्रज मंडल में नंद भवन है, नंद बाबा का दिव्य कृष्ण बलराम का मंदिर है पूरे परिवार सहित, और वहां किसी मुस्लिम लोगों ने और वहां नमाज पढ़ी है। ये तो बहुत ही गलत है, सदा ही गलत है। और ये उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर की दोपहर में ये चार लोग आए, जिनमें दो टोपीधारी थे, एक ने अपना नाम फैजल खान बताया और अपने साथी का दूसरा नाम मोहम्मद चांद बताया, और दो और जो लड़के थे एक नीलेश गुप्ता और एक आलोक कुमार। तो फैजल खान ने खुद को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में समन्वय रखने वाला, दोनों में आस्था रखने वाला बताया और कहा कि, और उन्होंने मोबाइल में फोटो भी दिखाए कि मैं संत मुरारी बापू है और तमाम जो हिंदू बड़े बड़े कथा व्यास संत हैं उनके साथ ये फोटो दिखाए और बताया मैं अयोध्या के मंदिर भी गया हूँ, अयोध्या के मंदिर के लिए मैंने जो निर्माण में मिट्टी भी भेजी है, द्वारकाधीश मथुरा के भी दर्शन किए, जन्मभूमि के किए हैं, तो और यहाँ भी मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो फिर खाना ने उसको एक सामान्य यात्री की तरह दर्शन करने के लिए कह दिया और ये भी कहा अगर आप प्रसाद लेना चाहो तो हम प्रसाद भी आपको दोपहर में उपलब्ध करा सकते हैं। तो दर्शन करने के बाद ये जो निज मंदिर का है उससे बाहर निकल के आए जगमोहन से, और बाहर गेट नंबर दो के बाद जो बिल्कुल वहाँ पर खाली जगह एकांत है, क्यों कोविड-19 के चलते इस समय दर्शन श्रद्धालुओं की भीड़ तो है नहीं, इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं, तो वहाँ पर खाली जगह देखकर इसने वहाँ पर जैसा फोटो में दिख रहा कम्बल बिछा के और वहाँ नमाज की मुद्रा के फोटो वायरल हुए हैं। अब ये हम नहीं कह सकते कि उन्होंने वहाँ नमाज पढ़ी है या केवल किसी षड्यंत्र के तहत केवल फोटो खिंचाए और वो वायरल किया है। नारायण 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 नारायण। अभी हाल ही में श्री कृष्ण और बलराम जी के नंदगांव में मंदिर में प्रांगण में, और जो कुछ मुसलमानों के द्वारा नमाज का कार्यक्रम किया गया है, नमाज पढ़ी गई है, यह घोर निंदनीय है। हमेशा हमेशा हिंदू धर्म के ऊपर ही कुठाराघात क्यों? कल दिनांक 1 नवंबर को थाना बरसाना में नंद बाबा मंदिर के सेवायत श्री कान्हा गोस्वामी द्वारा सूचना दी गई कि विगत 29 अक्टूबर को दो व्यक्तियों द्वारा मंदिर परिसर में आकर दर्शन किया गया, इसी दौरान उनके द्वारा नमाज अदा कर ली गई। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, शीघ्र ही साक्ष के क्रम में अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नंदगांव मंदिर में हुई यह घटना स्तब्ध करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण बलराम के मंदिर में आकर इस तरीके से मंदिर परिसर में नमाज अदा करना ये कोई बहुत गहरे षड्यंत्र और साजिश की ओर इशारा करता है। आज ये दो लोग नमाज अदा करने आए, कल 200 लोग आएंगे और कुछ दिन के बाद कहेंगे कि हम तो वर्षों से यहाँ पे नमाज अदा करते आए। आप सुन रहे थे तमाम प्रतिक्रियाएं जो निकलकर सामने आई हैं, जहां पर रोष व्यक्त किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए, क्या वाकई एक बड़ी साजिश के तहत ये किया गया है। दरअसल पूरा मामला एक बार फिर से हम आपको बता दें कि किस तरीके से नंद बाबा मंदिर में नवाज अदा की गई है। मंदिर परिसर के अंदर घुसते हैं चार लोग और सीधे तौर पर वहां पर जाकर नवाज अदा करते हैं बिना किसी की इजाजत के। वहीं इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुशील गोस्वामी पुजारी जुड़ चुके हैं नंद भवन मंदिर के, और साथ ही शहकार जैदी मौलाना भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सुशील जी, सबसे पहले आपके पास आने की कोशिश होगी और जानने की कोशिश होगी कि आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं। प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं घटनाक्रम की जो वास्तविकता है उसको बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि लोग इस घटना क्या होगी उसको समझें। 29 अक्टूबर को दोपहर लगभग 12:30 बजे चार लोग नंद बाबा मंदिर में आते हैं और गेट पर जो मंदिर के पुजारी थे वो उस दिन कान्हा गोस्वामी, और उनसे मिलते तो उनके जो टोपी वगैरह में दो पहने हुए थे उनको देखकर कान्हा ने कहा भैया आप टोपी पहने हो, आप मुस्लिम समुदाय से हो तो मंदिर में क्यों आए हो? तो उन्होंने बताया कि उसने बताया कि मेरा नाम फैजल खान है, मेरे साथ ये मोहम्मद चांद है, एक नीलेश गुप्ता है, एक आलोक रतन है। उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों में समन्वय रखते हैं
और उन्होंने कहा जो फैजल खान ने कि भगवान कृष्ण केवल आप ही नहीं है, हम भी उनके सम्मान करते हैं और हम उनके दर्शन करने आए हैं, ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं। तो जब उन्होंने इस तरह से ये उनसे प्रार्थना की कि आप हमें दर्शन करने की अनुमति दें, तो उन्होंने जिस तरह से रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ी, रसकांड रहीम का उदाहरण दिया कि वो भी कृष्ण भक्त थे, और उन्होंने कई साथ सबसे बड़ी अपने मोबाइल में कई साधु संतों के फोटो वीडियो दिखाए कि हम उनके साथ भी गए, उनकी कथा सुनी है, तो उसको देख के कान्हा ने अपनी एक जो सनातन धर्म के लोग जैसे उदारवादी होते हैं, उन्होंने कहा आप दर्शन कर लीजिए, दर्शन तक तो कोई बात नहीं। दर्शन करने के बाद दोपहर का वक्त था, कान्हा फिर मंदिर में ठाकुर जी का जो दोपहर का राजभोग होता है वो पर्दा लगा के भोग लगाने चले गए अंदर। फिर ये दोनों मंदिर जो कि बिल्कुल खाली था, उसमें सन्नाटा था, क्योंकि COVID-19 के चलते मंदिरों में श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, तो गेट नंबर 2 के पास ये लोग पहुंचे हैं और वहां पर इन्होंने ये कृत्य किया है। कल 1 नवंबर को जब इनके सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुए, तब हमें पता चला कि इन्होंने मंदिर में काला कपड़ा बिछाकर और वहां पर नमाज पढ़ी है, क्यों फोटो में नमाज की इनकी मुद्रा दिख रही है, हाथ ऊपर करके बैठ के। अब इन्होंने ये जो कृत्य किया है ये हमारे मंदिर की जो मर्यादा है, परंपरा है, उसके बिल्कुल खिलाफ है और ये बिल्कुल ही निंदनीय कृत्य है, और ऐसा किसी भी हमारे सनातन धर्म के किसी भी मंदिर में किसी भी विधर्मी द्वारा अपने धर्म के अनुकूल आचरण करना बिल्कुल भी खिलाफ है। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। श्वेता द्विवेदी मौलाना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मौलाना जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी इस पूरे प्रकरण की अगर हम बात करें? पहले मेरा आप सबको आदाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो प्रकरण आपके सोशल मीडिया के जरिए और आपके चैनल के जरिए मेरे सामने आया है जी, इस पर सबसे पहली बात तो मैं कह दूं कि नमाज पढ़ना एक बहुत बड़ी इबादत है और उतनी ही बड़ी उसके साथ में शर्तें हैं। नमाज पढ़ने की जो शर्त है वो ये है कि आप अपनी जगह पर पढ़ेंगे और अगर दूसरे की जगह पे आप पढ़ रहे हैं तो उससे परमिशन लेना मस्ट है, जरूरी है। अगर आपने परमिशन नहीं ली तो आपकी नमाज नहीं होगी बल्कि आप गुनहगार हो जाएंगे। अब मसला यह है कि इन लड़कों ने वहां पर नमाज किसी की परमिशन से पढ़ी या बगैर परमिशन के पढ़ी? अगर किसी से परमिशन लेके पढ़ी है तो फिर वो परमिशन देने वाला जिम्मेदार है कि उसने परमिशन क्यों दी है, और अगर बगैर परमिशन के पढ़ी है तो इन्होंने घोर पाप किया है। इनकी नमाज नहीं है बल्कि ये एक धोखा है। शेखर जी, लेकिन मंदिर परिसर में जो भी कार्यरत लोग थे उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि परमिशन नहीं ली गई है नमाज अदा करने की। मैंने कहा नहीं कि अगर परमिशन नहीं दी गई है तो उन्होंने पाप किया है, नमाज इन्होंने केवल दर्शन की बात कही, इन्होंने नमाज की आड़ में बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि जो इस्लाम के उसूल से हैं, जो नमाज के लिए जो कानून है, जो क्राइटेरिया है नमाज का, वो यही है कि आप नमाज के लिए पहले तो पवित्र जगह को चुनना पड़ेगा आपको, और साथ साथ जिसकी जगह है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ तक कि अगर हम लोग किसी के घर में भी जाते हैं और नमाज के वक्त हो जाता है तो हम लोग उससे परमिशन लेते हैं नमाज पढ़ने की, और फिर उसके बाद जो नमाज पढ़ने की जो चादर होती है जो हमको दी जाती है उसको मुसल्ला बोलते हैं, तो उस मुसल्ले की परमिशन लेते हैं क्या हम इस मुसल्ले पर नमाज पढ़ सके? यानी कि आपको लगता है ये सरासर गलत है जिस तरीके से नमाज की तस्वीरें निकल कर सामने आई है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप क्या कहेंगे? आप भी इसको गलत मानते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखिए बिल्कुल गलत है ये। इस वक्त कुछ इसी तरह की हरकतें कुछ लोग कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये हमारे देश का माहौल क्यों बिगाड़ना चाह रहे हैं, ये ऐसे लोग बिल्कुल दंडनीय है और इनको इनको सजा मिलनी चाहिए। ये नमाज अगर इनकी परमिशन नहीं है तो ये नमाज नहीं है, ये ढोंग है, नमाज की आड़ में खुला हुआ विद्रोह है और अल्लाह की नमाज के खिलाफ ये हुक्म, ये शैतान की नमाज हो सकती है, अल्लाह की नमाज नहीं हो सकती। सुशील जी, आपको क्या लगता है, वाकई शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है, यही वजह है कि इस तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं? बिल्कुल प्रीति जी, देखिए अभी जो मौलाना साहब ने भी जो कहा कि सुशील जी, मैं आपके पास लौटूंगी लेकिन इसी बीच बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी, इस पर हम चर्चा करेंगे लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी और सीधे तौर पर हम आपको लेके चलते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं जनसभा को। जिस न्यू इंडिया में हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, हर नागरिक के सम्मान के लिए और भारत के आन मान और शान के लिए किसी भी प्रकार की उसके खिलाफ कोई भी टिप्पणी करने की कोई गुंजाइश नहीं है, और भाइयों बहनों, इस नए भारत पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए।
मैं अक्सर बिहार आता था और बिहार में जब भी मैं आता था लोग मुझसे पूछते थे, योगी जी बताइए, आप लोग बार बार कहते हैं कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या तारीख बताएंगे, क्या तारीख भी बताएंगे। और भाइयों बहनों, आज तो मैं आप सबको अभिनंदन करने के लिए आया हूं। मेरी हार्दिक इच्छा थी जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि के भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्य को आगे बढ़ाने के कार्य का शुभारंभ हुआ था, तो मेरी इच्छा थी बिहार के हर गांव का प्रतिनिधित्व अभी उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन कोरोना की बीमारी के कारण हमें कार्य नहीं कर पाए। और भाइयों बहनों, मैं विनंदन करूंगा, उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए जितना महत्वपूर्ण है उसका भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बिहार के लिए है, क्योंकि हम जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो जय सीता राम कहते हैं। ये जय श्री राम थी, श्री का मतलब माता सीता से ही है। भाइयों बहनों, उससे ज्यादा महत्व बिहार के लिए है कि आज जो बिहार के लोगों का सपना था अयोध्या में 500 वर्षों से जिस पीड़ा को लेकर के संघर्ष कर रहा था, एक एक बिहारी संघर्ष करता था और कहता था कि माता सीता का इस सपना अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, कौन करेगा। आखिर वह कार्य भी मोदी जी ने पूरा कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने श्री राम मंदिर का जिक्र भी किया है, लेकिन एक बार फिर से चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रेयकार जैदी और साथ ही सुशील पुजारी जो हैं नंद भवन मंदिर के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, आप अपनी बात रखिए, क्या वाकई आपको लगता है कि शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही? जी हाँ, मैं प्रीति आपको बता दूं, अभी जो ऐसा मौलाना साहब बोल रहे थे कि बिना अनुमति के किया हुआ कृत्य बिल्कुल अपराध है, तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि पुजारी उस समय जो कान्हा गोस्वामी थे उनसे केवल उन्होंने दर्शन करने का निवेदन किया था, नमाज जैसी तो कोई बात ही नहीं आई, तो परमिशन की तो बात ही नहीं है। अब इन्होंने जो कृत्य किया है वो छिपकर किया है, धोखे से किया है, यानी पुजारी को अपने झांसे में लेकर उन्होंने कृत्य किया है। और फिर इनकी मंशा इस बात से है कि चलो अगर इनकी अल्लाह के प्रति इबादत करने का उनका समय हो गया, नमाज करनी थी, तो उसके फोटो क्यों खींचे, और फोटो खींचे उनको 3 दिन बाद वायरल कर रहे हो आप। और इनके जो जुड़े हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा कृत्य किया, इससे समाज में संदेश जाएगा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा करना अच्छा संदेश है तो अपनी मस्जिद में, जामा मस्जिद में मुझको हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत है, मैं वहां पर गोपाल सेसराम का पाठ करूंगा, हवन करूंगा और अच्छा संदेश दूंगा। और इन्होंने 2 लोगों ने किया, मैं 200 लोगों के साथ करूंगा, बहुत ज्यादा संदेश जाएगा। शेखर जी, प्रतिक्रिया रखिए अपनी। कोई जवाब नहीं है इनके पास, क्योंकि अगर इन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है इसमें निश्चित है कि साजिश है ये। अरे भाई, देखिए सुशील जी पहले आप ये देखिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, और जिन्होंने कृत्य किया वो मैं नहीं हूँ, समझ रहे हैं आप, मैं इस कृत्य की घोर निंदा करता हूँ, मैं नहीं बल्कि इस्लाम निंदा करता हूँ, मैंने पहले भी कहा। और देखिए इस वक्त बहुत जरूरत है, मैं समझाता हूँ मौलाना साहब। सुशील जी एक बात समझिए, बहुत ही आपसे विनम्रतापूर्वक, आप भाई हैं हमारे, हाँ सुन लीजिए, ऐसा है कि इस वक्त हमारे देश के अंदर बहुत जरूरत है आपसी सौहार्द की। अगर गलती हो रही है, किसी ने अपराध किया है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उस अपराध की आड़ में गंदी सियासत नहीं होनी चाहिए, देश का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, ताकि हमारा देश जो एक प्यार मोहब्बत की एक मिसाल है, जो एक प्यार मोहब्बत का मंदिर है हमारे देश, जो पूरे विश्व में हमारे देश के अंदर जी, और यही वजह तो है कि प्यार मोहब्बत को भंग करने की कोशिश की जा रही है, अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है। मेरा सवाल भी आपसे यही है कि आपको भी लगता है कि अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? देखिए अगर इस तरीके की तस्वीरें वायरल होती है सोशल मीडिया पर, तो वाकई आप देख रहे हैं कि किस तरीके सियासत की रोटियां, तो अलग बात है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सियासत इस पर की जा रही है, लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आती है तो धर्म के नाम पर इस तरीके की घटना को अंजाम देना कितना सही है? ऐसे में मौलानाओं को ही आगे आना होगा, आप समाज को संदेश दीजिए, लेकिन कुछ लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, साथ भी मिल रहा है।
देखिए भाई ऐसा है कि सहयोग और साथ जो है वो हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग हैं। अभी आप खुद देख लीजिए कि आपके छत्तीसगढ़ में कुछ लोगों ने मॉब लिंचिंग के जरिए एक संप्रदाय विशेष के आदमी की हत्या कर दी, उसके बाद जो हत्यारे या जेल छूट के आते हैं तो पार्टी पक्ष के लोग जो है उनका फूलमाला से अभिनंदन करते हैं जबकि पार्टी अपने आप को उनसे अलग कर लेती है। तो ये इंसान का पर्सनल कृत्य है, उसने किया है। अब जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं वो उसी मानसिकता के लोग होंगे जिनका इस्लाम से लेना देना नहीं है। इस्लाम साफ तौर से कहता है कि नमाज जैसी पवित्र इबादत के लिए शर्त यह है कि आप पवित्र हो, आपका वस्त्र पवित्र हो, आपकी जगह पवित्र हो और उसके बाद जिसकी जगह पर आप पढ़ रहे हो उसकी परमिशन मस्त है। अगर बगैर परमिशन के आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज नमाज नहीं है बल्कि आप एक पाप का कार्य कर रहे हैं। अल्लाह आपकी नमाज को आपके मुंह पर मारता है। नमाज की बड़ी कंडीशंस हैं। नमाज पढ़ने के लिए आप किसी ऐसी जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकते जिससे किसी का किसी को आने जाने में प्रॉब्लम हो, किसी के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते, किसी के लिए नमाज के जरिए आप किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचा सकते। नमाज बंदे का और अल्लाह का एक रिलेशन है जिसके लिए आपको पूरी तरीके से अपने दिल को, अपने जहन को, अपने वस्त्र को, अपनी जबान को पवित्र करके उसकी बारगाह में उसके पास आके आपको वंदना और प्रार्थना करनी पड़ती है। ये नमाज की एक शर्त है। अब जिन्होंने इस शर्त को तोड़ा है वो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और नमाज के बाद जो वीडियो वायरल कर रहे हैं या फोटो वायरल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति की बू है जो आज कई दिनों से हमारे देश और प्रदेश के अंदर चल रहा है। आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम ये उसी कड़ी की एक कड़ी हो सकती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सहकार जी, सुशील जी आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी उसके लिए आपका धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और साथ ही एक अच्छा संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है यहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा जाए कि अगर मंदिर परिसर में नमाज अदा की जा रही है बिना किसी की इजाजत के, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक नकारात्मक संदेश भी निकलकर सामने आता है। जरूरत है कि आप अपनी मानसिकता को अच्छा रखिए और साथ ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।